विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो, कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा, हाँ मैंने नवनव की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो, दो मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी, छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है, हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है,
मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि,
शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर, प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पांचवा तेज कदम क्या है? सही प्रार्थना करना सीखे। लोग जब मोह में पड़ जाते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं भी सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। तो एक बैंक का क्लर्क है, वो प्रार्थना कर रहा है क्यों धन नहीं मिलता। रोज देखता है बैंक में इतना धन आता है और मेरे पास नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता, सबके पास धन क्यों नहीं आता। और फिर सुबह उठकर देखा, दरवाजा खोला घर का, तो बोरा भरकर 500 के नोट। इतना खुश हुआ, प्रार्थना पूरी हो गई। बीवी को बुलाया, बोला जश्न होना चाहिए, किसी होटल से नाश्ता मंगाओ। बेटे को बुलाया, ये रिजाइन लेटर है, बैंक में देकर आओ, रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफा, जाके मैनेजर को देकर आओ। बेटे को भेज दिया बैंक। बीवी ने आकर बताया थोड़ी देर में कि होटल बंद है, और आजू बाजू में इंक्वायरी भी की, सभी होटल बंद है आज। आश्चर्य हुआ, होटल्स क्यों बंद है आज? बेटे ने आके खबर दी कि रिजाइन लेटर लेकर गया, मगर मैनेजर ने खुद रिजाइन दे दी है, और उसने कहा असिस्टेंट मैनेजर को इस्तीफा दो जो आज छुट्टी पर है, इसलिए इस्तीफा वापस लेकर आया है बेटा। और बीवी ने आकर बताया कि बेटी की तबीयत खराब है, बुखार है, मेडिकल शॉप भी बंद है, मेडिकल शॉप बंद है। अरे हो क्या रहा है आज? फिर पता चला कि आज क्या हुआ है शहर में, हर एक के घर के बाहर ऐसे बोरे हैं, धन के बोरे। हर घर के बाहर अब कौन काम पे जाए? इंसान तो अज्ञान में प्रार्थना करता है ऐसा हो जाए, वगैरह अभी हो क्या रहा है? बेटी की तबीयत खराब, दवाई नहीं मिल रही है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, बड़ा जोर जोर से रोता है, उसका सपना टूट जाता है। वो कहता अच्छा हुआ ऐसा नहीं होता। उसने क्या कहा, जो चल रहा है बेस्ट है। उसको कौन सा हैप्पी थॉट आया, जो चल रहा है वो बेस्ट है। अज्ञान में ही प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते वक्त उसको समझ नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। प्रार्थना कर रहा है इंसान, काश रुपए पैसे पेड़ पर उगते, काश रुपए पैसे पेड़ पर उगते तो मैं बीवी के लिए बंगला बनाता, पर बनाने कौन आता? पेड़ पर अगर पैसे हो गएंगे बनाने कौन आएगा?
ये तो सोचा ही नहीं। इंसान अधूरे ज्ञान से प्रार्थना करता है, ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करनी है। कैसी प्रार्थना करनी है? हे ईश्वर, मुझे अलगाव के बक्से में सब कुछ प्राप्त हो। हे ईश्वर, जो तुम मुझे देना चाहते हो वह मुझे अलगाव के बक्से में, बक्से में यानी गिफ्ट पैक में, यानी जो भी मुझे मिले उसके साथ मोह न हो। हम मोहताज बनकर नहीं जिएंगे, तेज जीवन जिएंगे। हमारे सिर पर ताज नहीं, तेज हो, समझ का तेज हो, जो मोह से परे है, दुख से परे है। तो ये बात समझने के बाद हम रिश्ते नातों में जो अटक जाते हैं उससे बाहर आएंगे।